हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि कॉपर टी किन लोगों को लगवाना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसे किन लोगों को मिलता है, किन लोगों को कॉपर टी लगवाना चाहिए, किस एज में नहीं लगवाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लगवाने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले आपको डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको कॉपर टी का यूज़ करना चाहिए। क्या कॉपर टी लगवाने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के रिलेशन बना सकते हैं, इससे क्या प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं होती है, ये सारी ज़रूरी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर आप नेचुरली कोई ये आई पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन चीज़ों को खा करके आप प्रेगनेंसी अगर अवॉइड करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कॉपर टी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आराम से कि क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए, क्या कॉपर टी लगवा के आप नेचुरली अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि कॉपर टी होती क्या है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कॉपर टी इससे प्रेगनेंसी अवॉइड होती है, पर ये होती क्या है एक्चुअली। ये इसको IUD भी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये महिला के यूट्रस में जाकर के फिट कर दी जाती है। ये एक टी शेप्ड डिवाइस होती है जो कि प्लास्टिक की होती है, बट इसके ऊपर कॉपर की कॉइलिंग होती है। जब ये महिला की यूट्रस में फिट कर दी जाती है तो इससे कॉपर के पार्टिकल्स जो हैं वो महिला के यूट्रस में आते हैं, जिसकी वजह से महिला का जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और जब स्पर्म महिला के यूट्रस में आता है तो वो जो जब महिला मेल और फीमेल जब रिलेशन बनाते हैं तो इस कॉपर की वजह से स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये सीधा सा सिंपल सा मेथड होता है जब आप कॉपर टी यूज़ करते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो कॉपर टी यूज़ करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप नेचुरली प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस उम्र की लेडीज़ को इसको लगवाना चाहिए और कौन किसको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर आप 30+ हो चुकी हैं तो आप इसको आराम से लगवा सकते हैं। अगर आप 25+ हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके ऑलरेडी एक डिलीवरी हो चुकी है, आप एक बच्चे की माँ हैं और आप दूसरे बच्चे में गैप चाहती हैं तो भी आप इसे लगवा सकती हैं। ये 5 साल के लिए भी लगवाया जाता है। अगर आप दो बच्चों के बीच में 5 साल का गैप चाहती हैं तो ये 5 साल के लिए भी लगवाया जाता है। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप नहीं चाहती ज़्यादा लंबे समय के लिए, अभी बच्चा चाहती नहीं है, तो आप इसको 10 साल के लिए भी लगवा सकती हैं। ये बहुत आराम से काम करता है 10 साल तक भी। अब किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए इसे? अगर आपकी एज 20 से कम है, आप 20 बिलो हैं, बिलो 20 हैं आप, तो आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप 20 से अबव हैं लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप इसको लगवा सकती हैं। अगर आप IPL वगैरह नहीं खाते हैं, आप किसी रिलेशन में हैं, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर एक बार भी आपकी डिलीवरी नहीं हुई, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, कई बार ये जो IUD डिवाइस होती है ये ऐसा रेयर होता है, लेकिन कई बार ये अपने आप महिलाओं के यूट्रस से निकल के बाहर आ जाती है। तो ये उनमें देखा गया है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके ऑलरेडी एक डिलीवरी हो चुकी है, जिनके एक बेबी होता है, उनमें ये डिवाइस बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये पूरा तरीका होता है इस डिवाइस के काम करने का, और इन लोगों को ये लगवानी चाहिए कि अगर आपके बेबी हैं और आप गैप चाहती हैं, अगर आपके बेबी नहीं है तो भी आप रिलेशन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं, ये आराम से वर्क करता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे गए हैं। क्या है साइड इफ़ेक्ट? जैसे कि जो कुछ महिलाओं में देखा गया है कि इसको लगवाने के बाद उनका अचानक से वेट गेन होना शुरू हो गया। कुछ ऐसी रिसर्च आई है जिसके बाद देखा गया है कि ये जो टी कॉपर टी होती है इसको लगवाने के बाद महिला का अचानक से वेट गेन शुरू हो गया है। और इसके अलावा पीरियड्स या तो इरेगुलर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ की पीरियड्स में ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, जब से आपने कॉपर टी लगवाई है उसके बाद से आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और जब भी पीरियड्स आपके आ रहे हैं उसमें दर्द आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी कॉपर टी लगवाने के बाद अक्सर महिलाओं में देखा गया है। इसके अलावा आपको वजाइनल इन्फ्लामेशन हो सकती है, वजाइना में सूजन आ सकती है। यूट्रस में जब आपकी कॉपर टी लगाई जा रही है तो
इसको बहुत सावधानी से लगवाना चाहिए, या फिर यूट्रस की वॉल में किसी तरह की इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। एक और चीज़ देखी गई कि जिन्होंने कॉपर टी लगवाई उनको ज़्यादातर बैक में दर्द रहता है, उनको क्या कहते हैं अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब से कॉपर टी लगवाई है हमने तब से हमारे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, और साथ में वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कॉपर टी लगवाने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आपने कॉपर टी लगवाई है तो अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉपर टी आप लगवाने जा रहे हैं तो पहले आपको क्या क्या बातें अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए। ये बातें डिस्कस करने के बाद ही आपको डॉक्टर से कॉपर टी लगवाने के बाद, अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं पहले से तो आपको कॉपर टी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पेल्विक इन्फ्लामेशन है, यूट्रस में आपकी कोई एबनॉर्मेलिटी है, सूजन वगैरह है, या फिर हैवी ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, या फिर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सेवियर पेन होता है कि जब भी आपके पीरियड्स आते हैं बहुत ज़्यादा आपको सेवियर पेन होता है, क्योंकि अगर उस ऐसी कंडीशन में आप कॉपर टी लगवाएंगे तो आपको और ज़्यादा फिर पेन शुरू हो जाएगा। तो अपने डॉक्टर को ये सारे पॉइंट्स बता दीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको कॉपर टी लगवानी चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर अगर आपको कोई सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो भी आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। और अगर आपने पहले कभी कॉपर टी लगवाई है, कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको कॉपर टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, या पहले कोई ऐसी हिस्ट्री है, तो भी आपको कॉपर टी अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले अपने डॉक्टर से जितने पॉइंट मैंने बताए हैं इन्हें डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद आप कॉपर टी का लगवाने के बारे में सोचिए। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी ने कॉपर टी का यूज़ किया है, घर में कोई आपके क्लोज रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, अगर कभी किसी ने यूज़ किया है कॉपर टी का, कोई कर रहा है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये थी खास जानकारी उन बहनों के लिए जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, दवाई नहीं खाना चाहती हैं, तो उनके लिए बेहद बेस्ट ऑप्शन है। जो दो बच्चों के बीच में एक अच्छा गैप चाहती हैं तो ये भी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और कॉपर टी जो लगवाई जाती है जब डिलीवरी आपकी हो जाती है तो उसके 1 मंथ बाद आप डॉक्टर से डिस्कस करके कॉपर टी लगवा सकते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से अपने दो बच्चों के बीच एक अच्छा खासा गैप रख सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। कोई पर्सनल क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।